सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग TCS NQT जो है, जो एग्जाम है, उसको पूरे डिटेल में देखेंगे कि वो मतलब कहाँ से आप उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, TCS NQT एक्चुअल में क्या है, उसके स्कोर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक मोटो होता है, जैसे अभी आप एक वीडियो देख रहे हो ये वाला, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या। तो मैं आपको एक बेसिक सा सिनेरियो बताता हूँ कि जैसे अभी आप एक स्टूडेंट हो, आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, ठीक है, या आप कोई भी एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, तो अभी आपके प्लेसमेंट शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को मतलब प्लेसमेंट तो चाहिए, हर एक को चाहिए, हर एक इंजीनियर को चाहिए। तो बट अगर आप प्लेसमेंट का पूरा प्रोसेस देखोगे, जो एक जॉब का पूरा प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहला जो राउंड होता है वो आपका एप्टीट्यूड राउंड होता है, और यही सबसे टफेस्ट राउंड होता है, जिसमें 60-70% बच्चे फिल्टर आउट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें टोटली आपको उस टाइम पे अच्छे से परफॉर्म करना है, भले ही आपको उसके कंसेप्ट कितने भी क्लियर हो, बट उस टाइम पे उस जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपके सामने है, अगर आप उनको प्रॉपरली सॉल्व कर पाते हो, तभी आपका स्कोर अच्छा आता है। तो अभी एक सिनेरियो कंसीडर करो कि आपको अगर 11 कंपनी में अप्लाई करना है, आपका एक टारगेट है कि 11 कंपनी में आपको अप्लाई करना है, तो आपको कितने बार एप्टीट्यूड देना पड़ेगा? 11 बार, ठीक है। तो 11 बार में से आप भी जानते हो कि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि आप कभी कभी अंडर परफॉर्म कर दो किसी भी XYZ रीज़न के वजह से, है ना। बट TCS NQT यहाँ पे एक पावरफुल टूल क्यों है कि एक बार आपने ये एप्टीट्यूड दे दिया, जो इसका NQT स्कोर है, उसको लेके आप 11 कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला राउंड आपका क्लियर आउट हो गया 11 कंपनीज में, उससे ज़्यादा ही कंपनीज है, तो अपन 11 कंपनीज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि जो आपका पहला राउंड है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, वो आपका क्लियर आउट हो जाता है। फिर आपको सिर्फ दो पे ध्यान देना, आपका टेक्निकल इंटरव्यू एंड HR इंटरव्यू। सो कौन सी कंपनीज इसमें आपका मदद करेंगी जो ये पर्टिकुलर स्कोर एक्नॉलेज करती है? सबसे पहली है TCS, ठीक है, खुद की कंपनी। सेकंड है आपकी एम्फेसिस, पब्लिसिस, सेपियंट, टाइटन, इक्विफैक्स, मोसंबी, क्रोमा, वेदांत, और भी बहुत सारी कंपनीज आप उनके पोर्टल पे जाके देख सकते हो सारी लिस्ट ऑफ कंपनीज। ये सारी कंपनीज TCS NQT का जो स्कोर है उसको एक्नॉलेज करती है। अभी आप बोलोगे ठीक है मैंने टेस्ट दे दिया, मैं घर पर बैठ जाऊँ, ये लोग मुझे कॉल करेंगे, ऐसा नहीं है। जो आप टेस्ट दे रहे हो वो बाई डिफॉल्ट आप सिर्फ TCS के लिए दे रहे हो। बाकी कंपनीज़ में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको अलग से उनके पोर्टल पे जाके उन कंपनीज़ में अपना स्कोर भेजना है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपके लिए साथ इंटरव्यू स्केड्यूल होगा, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब इसके आ जाते हैं बेनिफिट्स पे। तो बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इसकी वैलिडिटी 2 साल की। अब ये वैलिडिटी वाले पॉइंट पर मैं थोड़ा इस वीडियो के लेटर पार्ट में आपको एक चीज़ और बताऊँगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि 2 साल, एक बार आपने टेस्ट दिया तो 2 साल तक आप इस स्कोर को लेके चल सकते हो, आप जगह जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी ठीक है मैंने दे दिया, बट मुझे रोल क्या मिलेगा? क्या मुझे डायरेक्टली कोई बड़ा रोल मिल सकता है TCS NQT से, या मुझे इंटर्नशिप ऑफर होगी, या एक नॉर्मल जॉब होगी? मेरी जॉब क्या होगी किसी भी कंपनी में? तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट या एक फ्रेशर किसी कंपनी में जाता है, तो जो उस कंपनी, उस पर्टिकुलर कंपनी का एंट्री लेवल जॉब होगा, कि मतलब यहाँ से एक एम्प्लॉय शुरुआत करेगा और फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो वो जो एंट्री रोल होगा वो आपको दिया जाएगा, भले ही वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एज अ इंजीनियर हो, या कुछ भी हो, IT इंजीनियर हो, या जो भी XYZ रोल का नाम होगा, कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होगा, बट उस कंपनी का जो एंट्री लेवल रोल होगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये कहाँ कहाँ से कंडक्ट हो सकता है? आप इसको घर से भी दे सकते हो, आपके पास एक 2 MBPS का इंटरनेट होना चाहिए, एक वेबकैम होना चाहिए, और बस दिमाग होना चाहिए, तो आप इसको घर से भी दे सकते हो उनके प्लेटफॉर्म पे, या उनके जो सेंटर्स है TCSIN के, वहाँ पे जाके आप फिजिकली बैठ के उनके PCs पे अपना ये टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अब ये टेस्ट का फ्रीक्वेंसी कैसा रहता बताएगा? ये हर एक क्वार्टर में आता है ना। तो अब आपके दिमाग में और भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैं कितने बार ये टेस्ट दे सकता हूँ, तो वो आगे देखते हैं हम लोग। अभी 14 पॉइंट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक बार एप्टीट्यूड दिया और मल्टीपल कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए सब रुके, कि क्या मैं इस जॉब या इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। तो इसका आंसर क्या है?
ठीक है, सबसे पहला तो आप क्या कर रहे हो या आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, बी बी टेक, एम ई एम टेक, एम एस सी और एम सी ए। तो अगर आप बैचलर्स डिग्री में हो बी एस सी और बी सी ए में तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो जैसे एम एस सी एम सी ए तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग वाले अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर फाइनल ईयर, मतलब जो उनका लास्ट ईयर होगा तब आप स्टार्ट कर सकते हो एग्जाम देना। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट है कि कोई भी ब्रांच का यहाँ पे रोक टोक नहीं है। अगर आप BHTC के हो, आप कंप्यूटर्स के हो, आप IT के हो, आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, किसी के भी हो, वो ये मानते हैं कि आप एक इंजीनियर हो, आपको चार चीज़ें आती है और अगर हम आपको ट्रेन करेंगे तो आप इजीली ट्रेन हो जाओगे एंड उनके काम आ पाओगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं आती, वो चीज़ नहीं आती, या मेरी डिग्री सिविल की है बट आई एम गुड एट प्रोग्रामिंग, क्या मेरे लिए ये है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको ट्रेन करेंगे प्रॉपर, ऑब्वियसली अगर वो पैसा भर रहे हैं तो उनको कुछ तो आप में दिख रहा होगा कि आपसे आउटपुट निकाल के लेंगे, तो वो टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, 60% थ्रू आउट एकेडमिक्स, तो आपका 10th, 12th अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप हो पोस्ट ग्रेजुएट तो सब में आपका थ्रू आउट 60% होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब इन लोग KT अलाउ नहीं करते। पहले ऐसा था कि एक एक्टिव KT अलाउ करते थे, अब डेड KTs आपकी कितनी भी हो, एन नंबर ऑफ हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, बट एक्टिव KT आपकी एक भी नहीं होनी चाहिए। और जो ओवरऑल गैप है आपके बचपन से लेके अभी तक के एजुकेशन में वो 27 months, यानी कि आप पकड़ के चलो 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, 2 साल से ज़्यादा ड्रॉप या गैप नहीं होना चाहिए आपके एजुकेशन में। अब आते हैं इसके एज लिमिट पे, तो एज लिमिट क्या है कि मिनिमम अगर आपको ये टेस्ट देना है तो आपकी एज होनी चाहिए 18 years एंड मैक्सिमम 28 years, उससे ऊपर आप नहीं दे सकते या उससे नीचे आप नहीं दे सकते। अब इसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड है। अभी ये क्या है इसका मतलब है, तो जैसे मैंने तभी बोला था कि मैं आपको एक बात बताऊंगा, तो मैं बताता हूँ कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड मतलब क्या कि इसके एग्जाम्स जो होते हैं वो हर क्वार्टर या बाय एनुअली, मतलब 6 महीने या हर 3 महीने पे होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपका अगर समझो आपने एक टेस्ट दिया, सबसे पहले आपने TCS NQT समझो सेप्टेम्बर में दिया, है ना, आपको एक स्कोर आया, चलो कंसिडर करते हैं कि 100 mark का पेपर है, आपको 90 आए। ठीक है, 90 आए, अब आपको लग रहा है कि आप और अच्छा कर सकते हो, तो आपने फिर 3 महीने बाद वापस से टेस्ट लिया बट उसमें आपके 85 आए, तो अभी आपको क्या लगेगा कि अब आपका करंट NQT स्कोर क्या हो गया, 85 हो गया, यार पहले तो मैं 90 लाके बैठा था अब मेरा 85 हो गया। बट ऐसा नहीं है, इन लोग क्या करते हैं कि जितने भी बार आप एग्ज़ाम दो, भले आप 5 बार दो, 10 बार दो या कितने भी बार दो, आपका जो सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा किसी में भी, भले वो पहला हो या सबसे आखिरी हो, वही आपका करंट NQT स्कोर होगा और उससे फिर आप अप्लाई कर सकते हो अलग अलग कंपनीज में। तो ये एक छोटा सा फंडा इनका सॉर्टेड है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा सिलेबस टाइप का देख लेते हैं कि मतलब इसके लिए तैयारी क्या करनी है, कि मतलब ठीक है देना तो है, चलो एलिजिबिलिटी भी तुम्हारे दिमाग में आ गई कि यार मैं दे सकता हूँ, बट पढ़ना क्या क्या है। तो इसके 2 rounds होते हैं, सबसे पहला होता है NQT स्कोर। तो अभी जो NQT स्कोर है ये मैंडेटरी है, तो मतलब आपको देना ही है। ठीक है, तो NQT स्कोर में 3 चीज़ आपके 3 sections है। सबसे पहला है आपका कॉन्ट्स, फिर दूसरा है आपका वर्बल और तीसरा है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो कॉन्ट्स में कैसा है कि ये जो पूरा राउंड वन है ये 120 minutes का, मतलब 2 घंटे में आपको 3 चीज़ करनी है, कॉन्ट्स के आंसर्स करने हैं, वर्बल के आंसर्स करने हैं और लॉजिकल रीजनिंग करनी है। ठीक है, तो कॉन्ट्स के आपको 26 क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए आपको 40 मिनट का ही कैपिंग मिलेगा, 40 मिनट के अंदर आपको 26 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जो बेसिक आपके कॉन्ट्स होते हैं जैसे परसेंटेज हो गया, HCF LCM हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, वो जो सारे टॉपिक्स हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। वर्बल में क्या आ जाता है, वही आपका सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला जो है वर्बल, उसके 24 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करने हैं। और तीसरा जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं 50 मिनट्स में, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है। तो ये 3 sections को मिला के 2 घंटे का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो सबसे पहला होता है राउंड वन, है ना, ये आपको निकालना होता है और ये मैंडेटरी है। ठीक है, दूसरा जो इसका राउंड होता है वो सब्जेक्ट NQT होता है। तो अभी जैसे इंजीनियरिंग वाले जो हैं उनके लिए क्या होगा कि सबसे पहले उनको 10 questions सॉल्व करने पड़ेंगे सी प्रोग्रामिंग के MCQs पे। तो जो बेसिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होते हैं, भले वो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो या वो, तो आपको MCQs के फॉर्मेट में आएगा, 4 options उसमें से एक सिलेक्ट करना है, ABCD, कौन बनेगा करोड़पति खेलना है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका
उसमें का हो जाएगा। इसके लिए आपको 15 मिनट ही मिलेगा और 10 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 10 क्वेश्चंस 15 मिनट में आप इजीली निकाल सकते हैं। ये पूरा कंसेप्चुअल रहेगा, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, इसलिए टाइम भी कम अलॉट किया है ना। और जो दूसरा इसका जो सेक्शन है वो है हैंड्स ऑन कोडिंग। तो अभी हैंड्स ऑन कोडिंग का नेक्स्ट 45 मिनट्स है, मतलब पूरा राउंड अपना 1 घंटे का है। पहला 15 मिनट आपने MCQs कर लिया, फिर नेक्स्ट जो 45 मिनट्स है उसमें आपको 2 कोड लिखने हैं पूरा, मतलब एंड टू एंड। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लॉजिक लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने आधा अधूरा लिख के छोड़ दिया कि ठीक है यार स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैथ्स नहीं है इधर, स्टेप्स के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। पूरा स्टार्टिंग डिक्लेरेशन से लेके एंड के रिजल्ट तक एक्सपेक्टेड आउटपुट पूरा आना चाहिए, है ना। तो इसको 2 क्वेश्चंस में उन लोग ने डिवाइड किया। पहला जो आपका रहेगा वो 15 मिनट का रहेगा, वो कंपेरेटिवली छोटा कोड, जैसे आप बोल सकते हो एक छोटा सा स्ट्रिंग प्रॉब्लम रहेगा कि स्ट्रिंग को कुछ मैन्युपुलेट करना है इधर उधर, वैसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 15 मिनट वाले सेक्शन में आएंगे। जो 30 मिनट वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चंस, जैसे उसमें इनहेरिटेंस, ऊप्स के कंसेप्ट या जो भी XYZ चीज़ें हैं वो आपको पूछी जाएंगी। अब आप बोलोगे कि यार अब इसके लिए हर कंपनी अलग लैंग्वेज बोलती है पढ़ने के लिए, तो हम लोग क्या करें? तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका जावा, पाइथन, सी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। जो टॉप 3 है वो यही है, जावा, पाइथन, सी। अगर इन तीनों में से आपको कोई भी आता है तो टेंशन नहीं ले सकते, आपको आप ये टेस्ट दे सकते हो। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जो तीनों में पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही में होगा और दूसरे में बहुत हार्ड होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन चुने जाते हैं जहाँ पर आपको उसको आप इजीली सॉल्व कर सको किसी भी लैंग्वेज में। तो ये आपको 2 टाइप का यहाँ पे जो कोड है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये तो 2 राउंड्स हो गए और ये TCS NQT पूरा हो गया कि इसकी एलिजिबिलिटी है, ये भाई कौन सी कंपनीज में ये लगता है। बट अभी ये चीज़ हमको याद नहीं रहेगी, है ना। तो अगर आपको इसको बार बार रेफर करना है तो आप ये वीडियो को वापस भी देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में अगर आप एक लिंक वहाँ पे दी गई है वहाँ पे जाओगे तो यही सारी चीज़ आपको फॉर्मेट में मिल जाएगी, रिटन फॉर्मेट में। तो आप कभी भी उसको रेफर कर सकते हो। वहाँ पे मैंने डिटेल्ड उसका सिलेबस भी डाला है कि अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, है ना, कि कौन से टॉपिक्स। आप जैसे हम कॉन्स बोल रहे हैं तो कॉन्स के अंदर क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स उसके सिलेबस में है, तो पूरा डिटेल्ड उसका सिलेबस और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यही सब जो भी हमने अभी डिस्कस किया, ये आपको रिटन फॉर्मेट में वो वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में वो चेकआउट कर लीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग क्या कर रहे हो यार, इतने हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बना रहे हैं आपके लिए। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप हमेशा अपडेटेड रहो। और डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दी गई है, वो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी की, जहाँ पे हम यही सारी चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, जो भी नया हो रहा है इंडस्ट्री में, या नए नए जो ब्लॉग्स हम लिखते हैं, या कोई नया वीडियोज़ अपलोड होता है, या आपके एजुकेशन रिलेटेड जो हमारा जो मोटो है कि आपकी इंजीनियरिंग को ईजी करना है, तो उसके लिए वो कम्युनिटी है। तो वो ज्वाइन कीजिए, भले आप कोई भी ब्रांच के हो, हमारे पास सारे ब्रांच की कम्युनिटी अवेलेबल है। तो वहाँ पे हम फ्री नोट्स, वीडियोस सब शेयर करते हैं, तो ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए और हम भी आपकी हेल्प अच्छे से कर पाए। तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने का। इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। टिल देन, बाय बाय।